कृषि उपनिदेशक मंडी डॉक्टर राजेश डोगरा ने बुधवार को विकासखंड गौहर में विषयवाद विशेषज्ञ के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। विषयवाद के कार्यालय में एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी ही ड्यूटी पर पाया गया। अन्य सभी अधिकारी जिनमें विषयवाद विशेषज्ञ, कृषि विकास अधिकारी, सहायक कृषि विकास अधिकारी और कृषि प्रसार अधिकारी ड्यूटी से नदारद पाए गए। इसके साथ ही वे भू संरक्षण संभाग के कार्यालय में भी पहुंचे, जहां सभी कर्मचारी उपस्थित थे। क्षेत्र के किसानों ने संबंध में शिकायत की थी कि गौहर में कृषि विभाग के अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं और उनकी समस्याओं का समय पर समाधान नहीं किया जा रहा है। सोलन जिले के परवाणु सेक्टर 2 में 4 मंजिला एक भवन जमींदोज हो गया, जिसमें एक मजदूर की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि एक अभी भी मलबे में दबा है। 3 मजदूर सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। मंगलवार दोपहर 12:30 बजे हुए इस हादसे को लेकर पुलिस ने भवन मालिक पर FIR दर्ज की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोलन अशोक वर्मा ने बताया कि भवन मालिक विनय सिंघला ने इस इमारत की मरम्मत के लिए अंदर खुदवाई के लिए JCB लगा रखी थी। खुदवाई के दौरान नींव हिलने से भवन गिर गया और मरम्मत कार्य में जुटे मजदूर इसमें दब गए। बताया जा रहा है कि पहले इस इमारत में एक निजी उद्योग था। हिमाचल भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना एवं सह प्रभारी संजय टंडन का शिमला पहुंचने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप, महामंत्री त्रिलोक कपूर, राकेश जम्वाल, त्रिलोक जम्वाल, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं द्वारा पीटर हॉफ में स्वागत किया गया। भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा कार्यसमिति बैठक हर 3 महीने में एक बार होती है, जो कि रूटीन बैठक मानी जाती है। उन्होंने कहा कि कोर ग्रुप में हम इन उपचुनावों पर समीक्षा करेंगे और जो भी कमियां रही हैं उनको दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। भाजपा आने वाले नगर निगम शिमला और 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां करेगी। जयसिंहपुर लंबागांव मार्ग पर मंगलवार रात को कार पलटने से एक युवक की मृत्यु हो गई। कार लंबागांव से जयसिंहपुर की ओर जा रही थी और जयसिंहपुर से कुछ दूरी पर जानकीनाथ मंदिर के पास एक कार पहले एक आम के पेड़ से टकराई और पलटकर लगभग 100 फुट दूर जाकर बांस के पेड़ में जा घुसी। गाड़ी में कुछ 6 लोग सवार थे, जिनमें 22 वर्षीय अभिषेक पुत्र गुरुचरण निवासी ज्वाली की मृत्यु हो गई है। वहीं पुलिस द्वारा अन्य 5 युवकों का मेडिकल भी करवा लिया गया है। मृत व्यक्ति के शव का पालमपुर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस हादसे के कारणों की छानबीन में जुटी हुई है। ऊना पुलिस ने बसदेहड़ा में 2 युवकों को चिट्टे संग काबू किया है। आरोपियों की पहचान विशाल चंदेल निवासी महतपुर और जतेंद्र कुमार निवासी बसदेहड़ा के रूप में हुई है, लेकिन इन दोनों युवकों ने 2 मंजिला छत से छलांग लगा दी, जिनमें दोनों युवकों की टांगें फ्रैक्चर हो गई है। दोनों आरोपियों का क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचार जारी है। मंगलवार रात्रि ऊना पुलिस बसदेहड़ा में गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखकर बाइक सहित भागने की कोशिश करने लगा। भागते हुए युवक बाइक खड़ी कर 2 मंजिला छत पर चढ़ गया और पुलिस से बचने के लिए वहां से छलांग लगा दी, जिनमें दोनों युवकों की टांगें फ्रैक्चर हो गई और पुलिस ने उन्हें काबू कर लिया। युवकों के पास से 14.43 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। रिकांगपियो चौक पर पुनर्स्थापित बौद्ध धर्म चक्र का प्रतिष्ठान बौद्ध धर्म गुरु परम शारदेय छोगोन रिपोंछे द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। धर्मगुरु द्वारा बुधवार सुबह 7 बजे धर्मचक्र का विधिवत रूप से प्रतिष्ठान किए जाने के बाद इसे आम जनमानस के लिए खोल दिया गया है। इस दौरान जिला परिषद सदस्य हितेश नेगी के अलावा व्यापार मंडल रिकांगपियो के पदाधिकारियों सहित कई संगठन और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी उपस्थित रहे। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना द्वारा JBT अध्यापकों के 12 पद बैच वाइज अनुबंध आधार पर भरने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा देवेंद्र चंदेल ने बताया कि अनारक्षित श्रेणी में 4 पद, EWS श्रेणी में 1 पद, SC श्रेणी में 3 पद और OBC श्रेणी में 3 पद 2011 बैच और अनारक्षित वर्ग में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों की श्रेणी में 1 पद अब तक के बैच आधार पर भरे जाने हैं। इन पदों हेतु समस्त रोजगार कार्यालयों को 10 दिसंबर से पूर्व पात्र अभ्यर्थियों के नाम प्रायोजित करने के लिए कहा गया है। जिला कुल्लू के जरी ब्लॉक के अंतर्गत आते गांव के लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए जागरूक किया। बकायदा विभाग की ओर से जिला स्वास्थ्य शिक्षिका निर्मला महंत ने मणिकर्ण समेत घाटी के विभिन्न जगहों पर जाकर लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया। मणिकर्ण बस स्टैंड के आसपास ग्रामीण लोगों के अलावा माता नैना मंदिर के आसपास जितने भी दुकानदार हैं उन्हें भी दूसरी डोज अवश्य लगाने की जानकारी दी। बता दें कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग कुल्लू लोगों को लगातार आने के लिए प्रेरित कर रहा है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिला की दून विधानसभा क्षेत्र के बद्दी में सतलुज टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दूसरी इकाई का विधिवत शुभारंभ किया। इस इकाई के निर्माण पर 239 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। इस इकाई में 600 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में दूसरी इकाई स्थापित करने के लिए सतलुज टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश गंतव्य स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों से हिमाचल इज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में 7वें स्थान पर पहुंचा। उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने ऊना के वार्ड नंबर 4 की निवासी प्रभजोत कौर को गरिमा सम्मान प्रदान किया। डीसी ने गरिमा सम्मान के तहत प्रभजोत को प्रशस्ति पत्र, शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मेरे गांव की बेटी मेरी शान योजना के तहत उनकी उपलब्धियों को दर्शाता बोर्ड भी प्रदान किया। इस सम्मान के लिए प्रभजोत कौर ने उपायुक्त ऊना राघव शर्मा का धन्यवाद किया। राघव शर्मा ने कहा कि प्रभजोत कौर एक अभिनेत्री, मॉडल और मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और वह स्वावलंबन की एक मिसाल पेश कर रही हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहनी सुपर भारत के साथ।